जमशेदपुर के गोलमोरी थाना अंतर्गत गोलमोरी चौक के पास हथियार के बल पर दो अपराधी डॉक्टर आर प्रधान का अपहरण करने पहुंचे। हालांकि डॉक्टर प्रधान के शोर मचाने पर स्थानीय लोग जुट गए और दोनों अपराधियों को धर दबोचा। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों को कब्जे में लेकर थाने में ले गई। मामले का खुलासा करते हुए SSP किशोर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अशोक सिंह और रविशंकर सिंह बेगूसराय के रहने वाले हैं। दोनों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और दो जिंदा गोली बरामद किया। पूछताछ करने पर अशोक ने पुलिस को बताया कि गूगल पर डॉक्टर प्रधान सर्च कर उनकी जानकारी हासिल की थी। इसके बाद डॉक्टर प्रधान का अपहरण कर फिरौती मांगने का प्लान बनाया था। दो दिनों तक रेकी भी की थी। SSP ने बताया कि अशोक परसुटी थाना से अवैध शराब बेचने के मामले में और रविशंकर मोकामा से डकैती के मामले में जेल जा चुका है। पीछे में चिपक गई। 8 बजे गोलमुरी बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर से मरीज को देखने के पश्चात एक वहां के निजी चिकित्सक अपनी कार जो वहाँ पर वो पार्क किए हुए थे, जब अपनी कार के पास आए तो वहाँ पर दो अपराधकर्मी वहाँ पर पहले से मौजूद थे, जिनके द्वारा बंदूक का भय दिखाकर उन्हें ज़बरदस्ती कार में बिठाने का प्रयास किया। अपहरण की नीयत से वो ये प्रयास कर रहे थे, जिसमें वो शोर मचाया गया और चिकित्सक के द्वारा और स्थानीय जनता की सहयोग से और स्थानीय पुलिस की तत्परता से तुरंत ही उन दोनों अपराधकर्मियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें अशोक कुमार सिंह और रविशंकर सिंह, ये दो व्यक्ति जो है वो हिरासत में लिए गए, जिनके पास से जब सर्च किया गया तो एक देसी कट्टा और दो जिंदा गोली भी बरामद की गई है। इस संदर्भ में चिकित्सक के बयान के आधार पर थाना कांड संख्या 1/24 दर्ज किया गया है।